तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ डार्क सर्कल को कैसे हाइड करते हैं। देख सकते हो आपको काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल है मुझे, और इसको मेकअप के थ्रू कैसे हाइड करेंगे। बहुत ही इजी स्टेप है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। यह है गुलाब जल, तो इसको मैं इस तरीके से अच्छे से स्प्रे कर रही हूँ फेस पे। उसके बाद मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइजर। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इस तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो ये है लैक्मे पीच मिल्क का मॉइस्चराइजर, इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने फेस पे एंड 2 मिनट के लिए छोड़ूंगी ताकि स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और स्किन में जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो ना हो, ओपन पोर्स मेरे अच्छे से हाइड हो जाए। एंड इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी प्राइमर, जिससे कि हमारा मेकअप जो होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा और मेकअप में ओपन पोर्स की वजह से जो पसीने आते हैं उसकी वजह से हमारा मेकअप ब्लैक नहीं पड़ेगा। तो प्राइमर का बहुत ज़्यादा जरूरी स्टेप होता है। प्राइमर के बारे में एक अलग से फुल डिटेल वीडियो डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो मॉइस्चराइजर को अच्छे से लगा लिया है मैंने, अब इसको अच्छे से 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे प्राइमर। तो ये है प्राइमर हुड्डा ब्यूटी का, एक सेकेंड गाइस दिखाती हूँ। ये है प्राइमर हुड्डा ब्यूटी का, काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रही हूँ। तो इसको थोड़ा सा लेंगे और अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करेंगे ताकि हमको जो पसीना ना आए और जो हमारे ओपन पोर्स हैं वो अच्छे से हाइड हो जाए, जिसके बाद हम लोग मेकअप का प्रोडक्ट अप्लाई करें तो वो हमारे ओपन पोर्स के साथ पसीने के साथ मिक्स ना हो, हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग है, ब्लैक ना पड़े। तो यहाँ पे मैंने प्राइमर को अच्छे से अप्लाई कर लिया। प्राइमर लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे एलेगर्स का प्रो कंसीलर, ऑरेंज कलर वाला। तो इसका एलेगर्स का बैक साइड से बहुत ढीली पैकेजिंग होती है, जो कि जब हम लोग क्रीम निकालते हैं तो वो खुल जाती है, तो उसी वहीं से मैंने निकाला है। और इसको जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट्स है, डार्क काले दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, वहाँ पे आप ऑरेंज कलर करेक्टर लगाते हो। और येलो लाइट डार्क सर्कल के लिए होता है, ग्रीन आपके पिंपल्स मार्क्स के लिए होता है। ये सारी अलग अलग टाइप की कलर करेक्टर्स आते हैं। तो ब्यूटी ब्लेंडर को यूज करने से पहले अच्छे से गीला करना होता है, पानी पूरा अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, उसके बाद आपको ब्यूटी ब्लेंडर को यूज करना होता है। तो इस तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर में अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। थोड़ा सा कलर करेक्टर और ले रही हूँ, और जहाँ जहाँ लग रहा है कि मुझे दाग धब्बे हैं चेहरे पे, वहाँ पे आप अप्लाई करोगे। जहाँ जहाँ पे पिगमेंटेशन है और ऑल स्किन एक तरह के नहीं है तो वहाँ पे आप अप्लाई कर लोगे, और इस तरीके से हल्का हल्का ब्लेंड करेंगे। बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है जिससे कि कलर करेक्टर दिखाई ना दे, और बहुत कम भी नहीं ब्लेंड करना है जिससे कि कलर करेक्टर बहुत ज़्यादा दिखाई दे। नॉर्मल ब्लेंड करना है जिससे बस आपका जो डार्क एरिया है वो हाइड हो जाए। तो इस तरीके से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद से हमने लिया है यहाँ पे दोबारा से थोड़ा सा ऑरेंज कलर करेक्टर, आइज़ के नीचे अप्लाई किया है। मुझे बहुत ज़्यादा इस टाइम डार्क सर्कल हो गया वीकनेस की वजह से, तो अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अब हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें एलेगर्स का ही प्रो कंसीलर, अपने स्किन से मैच होता हुआ। ओके, तो इसको इसमें इस तरीके का ब्रश दिया होता है जो कि बहुत इजी होता है इसको अप्लाई करना। देखिए इस तरीके का ब्रश होता है, तो आईज के नीचे अप्लाई कर लेंगे इस तरीके से, आईज के ऊपर अप्लाई कर लेंगे, आईब्रोज के जस्ट नीचे इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे। ओके, जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट्स है, जहाँ जहाँ आपने ऑरेंज कलर करेक्टर यूज किया था उसके ऊपर इसको अप्लाई कर लेना है, और फिर से गीले ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड करेंगे। हल्के हाथों से टैप टैप करते जाएंगे और ये इजीली ब्लेंड हो जाएगा, रगड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी क्रीम हट जाएगी और आपका जो एरिया है, जो इफेक्टिव एरिया जिसको आपको हाइड करना है वो भी दिखने लग जाएगा। तो बिल्कुल टैप टैप करना है, रगड़ना नहीं है। ओके, अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद से जो इसका कॉर्नर होता है, इससे आप आईज के इनर कॉर्नर पे इस तरीके से ब्लेंड कर सकते हो बहुत ईजीली। तो इसको ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड करने के बाद हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा फाउंडेशन का। तो फाउंडेशन भी यहाँ पे मैं लैक्मे 925 का ले रही हूँ। बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड करना है, बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए कि कहीं से ब्लेंड नहीं हुआ है। अगर आप बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड नहीं कर पाओगे तो आपका मेकअप बाद में केकी हो जाएगा एंड फटने लग जाएगा। तो ये अभी मेरा डार्क सर्कल काफ़ी हद तक हाइड हो चुका है। कैमरा बिल्कुल नेचुरल पे है, बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिल्टर भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल कैमरे में मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए डार्क सर्कल वगैरह, डार्क स्पॉट्स कैसे हाइड करते हैं, पिंपल वाली स्किन पे कैसे मेकअप करना चाहिए, एक्ने पिंपल वाली स्किन पे उसकी वीडियो भी जा चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ इतना सा फाउंडेशन मैंने यहाँ पे लिया है, पूरे फेस पे इस तरीके से करके लगा देंगे।
और इसको फिर से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड करेंगे। थोड़ा और फाउंडेशन ले रही हूँ यहाँ पे मैं फोरहेड के लिए, माथे के लिए, आइज के ऊपर एंड गर्दन पे। गर्दन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, गर्दन पे भी सारे प्रोडक्ट अप्लाई होंगे जितने आपके फेस पे अप्लाई हो रहे हैं। बस आपको डार्क स्पॉट्स वगैरह को छोड़ के ऑरेंज कलर करेक्टर था उसको नहीं लगाना है, बाकी सारी चीज़ें लगाएंगे। अगर गर्दन के आसपास भी कई बार हमारे ब्लैकनेस होता है तो आपको वहाँ पे ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करना है। तो देखिए कितना अच्छा सा हम यहाँ पे मेरे फेस पे एकदम इवन स्किन हो गया है, डार्क सर्कल बिल्कुल अच्छे से हाइड हो चुका है। तो अच्छे से ब्लेंड करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से फाउंडेशन को। उसके बाद आप चाहो तो कंसीलर लगा सकते हो, चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो, बहुत हैवी मेकअप नहीं चाहिए तो। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको बताया था कि डार्क सर्कल को कैसे हाइड करना है। ओके, तो जब तक अच्छे से ब्लेंड ना हो जाए, जब तक आपको लगे नहीं कि अच्छे से ब्लेंड हुआ है नहीं हुआ है, तब तक आपको ब्लेंड करना है। पूरा अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए, बिल्कुल भी प्रोडक्ट दिखाई नहीं देने चाहिए और बिल्कुल भी कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसे नहीं लगना चाहिए। तो मेरा अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, अब मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है और इसको ब्रश की मदद से इस तरीके से अप्लाई करेंगे। ब्रश को हमेशा राउंड राउंड घुमाना चाहिए, इससे क्या होता है राउंड राउंड घुमाने से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपके फेस पे नहीं रहता है और अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, अच्छे से आपका मेकअप बेस जो है वो सेट हो जाता है। तो डार्क सर्कल देख सकते हैं आप बिल्कुल अच्छे से हाइड हो चुका है, कहीं भी पिगमेंटेशन डार्क सर्कल वगैरह नहीं दिखेगा। तो कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करने के बाद से मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी ब्लश। गर्दन को भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, गर्दन पे भी पूरे प्रोडक्ट अच्छे से अप्लाई करने हैं। तो अच्छे से पाउडर को लगा लिया मैंने, पाउडर मतलब कॉम्पैक्ट पाउडर को। बहुत ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल भी किया है, आई लैशेज कैसे अप्लाई करते हैं, लिपस्टिक कैसे लगाते हैं, सारी वीडियो डे बाय डे जा रही हैं। तो वीडियो चैनल पे बने रहिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन जाते ही आपके स्क्रीन पे शो हो, मोबाइल स्क्रीन पर, और आप उसको देख सकें और सीख सकें। ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसकी वीडियो बहुत जल्दी लेकर आ जाऊँगी। तो पिंक कलर का जो ब्लश था उसी को मैंने आईज़ पे अप्लाई किया है आई मेकअप के लिए, मैं यहाँ पे आई मेकअप नहीं करने वाली हूँ। अब हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ ब्यूटी का हाइलाइटर, नोज पे इस तरीके से सीधा सीधा अप्लाई कर देंगे और चिक बोन्स पे इस तरीके से अप्लाई करेंगे। ओके, फोरहेड पे अप्लाई करेंगे, आईज़ के इनर कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे, आईज़ के ऊपर थोड़ा सा अप्लाई कर देंगे। आप इस पर सिर्फ ग्लिटर लगा के अपने लुक को कंप्लीट कर सकते हो, आई मेकअप के लुक को। थोड़ी पे अप्लाई करेंगे, अपर लिप्स पे अप्लाई करेंगे, देन थोड़ा सा आईब्रोज के नीचे भी अप्लाई करेंगे। अब हम लोग आईब्रोज को फिल करेंगे, आईब्रो फिल करने के लिए डिटेल वीडियो डाली हुई है। तो इस तरीके से आईब्रो फिल कर लिया है एंड लिपस्टिक लगाने के बाद से मेरा फाइनल लुक जो था वो इस तरीके का था। तो यहाँ पे कहीं भी आपको हाइलाइटर डार्क सर्कल नहीं दिख रहा होगा, पिगमेंटेशन कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। पूरे मेकअप बेस को सेट करने के लिए मेकअप फिक्सर अप्लाई किया था, उसके बाद से ब्यूटी ब्लेंडर से उसको टैप टैप कर दिया था, जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा वो निकल जाएगा और आपका मेकअप बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग और नेचुरल दिखेगा। आई होप कि वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिलाई से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए, सिलाई का कोर्स सीखने के लिए मेरे सेकंड चैनल पर जरूर जाइए, प्रीत तिवारी 2 सेकंड चैनल का नाम है। इंस्टा आईडी प्रीत तिवारी 24 है तो वहाँ पे भी जा जाए, इंस्टा आईडी प्रीत तिवारी 24 है तो वहाँ पे भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरी रील्स वीडियो और शॉर्ट्स वीडियो देखने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा एंड सेकंड चैनल पे भी जरूर जाइएगा, वहाँ पे सिलाई से रिलेटेड ऑल वीडियोज़ डे बाय डे जा रही हैं। तो इस तरीके से मैंने आईलैशेज लगाए थे, आईलैशेज की वीडियोज़ भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी, बिल्कुल बारीकी से पूरी स्टेप बाय स्टेप के साथ बताया हुआ है। तो आईलैशेज कैसे अप्लाई करना है उसकी वीडियो भी जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा और साड़ी के लिए इतने छोटे हल्के पतले बालों में बन हेयर स्टाइल कैसे बनाएंगे उसका वीडियो भी बहुत जल्दी लेकर आ रही हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। बाय बाय।